भाई साहब, तुम्हारे इसकी वैल्यू अभी करंटली है 2,78,54,062 रुपीज। हाय गाइस, मैं निशांत चाहर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि RSUs क्या होते हैं, और हम जानने वाले हैं कि अगर किसी बंदे ने 4 साल पहले एक कंपनी ज्वाइन करी थी तो उसके पास करंट कितने वैल्यू के स्टॉक्स होंगे अगर वो 4 साल तक उस कंपनी में रुका, या फिर जितना भी उसका वेस्टिंग पीरियड होता है। जनरली 4 साल ही होता है। अब वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, सबके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो यार, व्हाट इज एन RSU? तो RSU क्या होता है? RSU इज रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। तो रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स का क्या मतलब होता है? व्हेन यू ज्वाइन अ कंपनी, सम कंपनीज गिव यू RSUs। अब RSUs जब तुम्हें मिलते हैं तो तुम्हें कुछ स्टॉक यूनिट्स मिलती हैं जिनका कुछ वेस्टिंग पीरियड होता है, एंड उसके बाद यू कैन सेल देम। तो हर कंपनी का वो वेस्टिंग पीरियड डिफरेंट होता है, कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स तुम्हें मिलेंगे वो डिफरेंट होते हैं, बट जनरली द वेस्टिंग पीरियड इज 4 ईयर्स एंड यू गेट 1/4 ऑफ द स्टॉक्स एवरी ईयर। तो सबसे पहले आ जाते हैं वेस्टिंग पीरियड क्या होता है। अब तुमने एक कंपनी ज्वाइन करी एक्स अपने 2016 में, तो 2016 में जब तुमने ज्वाइन करी तो उसने तुम्हें बताया कि 4 साल है वेस्टिंग पीरियड तुम्हारे स्टॉक्स का, तो तुम्हें हर साल कितने स्टॉक्स मिलेंगे। अगर वो कंपनी तुम्हें 20 लाख के स्टॉक्स दे रही थी तो हर साल 5 लाख वर्थ ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे। तो अब तुम उन स्टॉक्स को बेच सकते हो आफ्टर 1 ईयर। नेक्स्ट ईयर तुम्हें फिर से 5 लाख वर्थ स्टॉक मिलेंगे, फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर 5 लाख वर्थ मिलेंगे, एंड जो वैल्यू बेस वैल्यू होगी कितने रुपीज का तुम्हें या कितने वैल्यू का एक स्टॉक मिलेगा, वो तुम्हारी उस दिन जब तुमने ज्वाइन करा था उस दिन जो स्टॉक की वैल्यू थी उसके हिसाब से मिलते हैं, ना कि जो करंट वैल्यू चल रही है मार्केट में। तो यार, अगर तुमने कंपनी ज्वाइन करी है 2 साल पहले 3 साल पहले और करंटली स्टॉक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें जो कम वाली वैल्यू थी उस पर स्टॉक्स मिले हैं, बट तुम सेल कर सकते हो जो ज़्यादा वाली वैल्यू है उस पर। अब वेस्टिंग पीरियड क्या होता है? यार, वेस्टिंग पीरियड होता है कि कितने टाइम के बाद तुम उन स्टॉक्स को सेल कर सकते हो। तो अगर एक कंपनी तुम्हें 20 लाख के स्टॉक्स दे रही है, तुम 4 साल बाद तुम सेल कर सकते हो अगर वेस्टिंग पीरियड इज 4 ईयर्स। अगर वेस्टिंग पीरियड इज 3 ईयर्स तो तुम 3 साल के बाद सारे स्टॉक्स को सेल कर सकते हो। तो इज स्टॉक्स द राइट इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं जब हर कंपनी के हम स्टॉक वैल्यूज के प्राइसेस को कंपेयर करेंगे एंड निकालेंगे कि करंटली उनकी वैल्यू कितनी है, पहले उनकी वैल्यू कितनी थी। वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो में फिर हम हो जाते हैं बोर। तो अब आ जाते हैं डायरेक्टली कि कितनी होगी स्टॉक वैल्यू सबकी। ऑल्सो यार, बिफोर स्टार्टिंग तुम्हारे स्टॉक्स की वैल्यूज वगैरह कितनी थी, तो एक मास्टर क्लास, अभी मास्टर क्लासेस चल ही रही हैं, तो 2 मास्टर क्लासेस 3 मास्टर क्लासेस और हैं। तो तुम्हारी जो डी कोड वाली है, डीपी वाली, वो एक रिकॉर्डेड सीरीज है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी तुम्हारी 2 और, एक बाइनरी सर्च से रिलेटेड एंड एक उबर का सिस्टम डिज़ाइन है। तो ये दोनों तुम्हारी मास्टर क्लासेस इस वीकेंड पे होने वाली हैं, बिल्कुल फ्री है। रजिस्टर करने के लिए नीचे वाले लिंक्स पे जाकर क्लिक कर देना, एंड भाई मस्त पढ़ो और मजे करो। चलो, तो अपना मनपसंद ब्राउजर खोलने के बाद तुम्हें क्या करना है वो आगे बताएंगे। पहले तो मैं बता देता हूँ कौन सी 5 कंपनीज के बारे में हम जानने वाले हैं कि उनकी स्टॉक वैल्यूज कितनी हो चुकी हैं और पहले कितनी थी, कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया है लोगों ने। तो हम बात करने वाले हैं एटलाशियन का, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजोन का, गूगल का एंड सेल्स फोर्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अमेजोन से, हम अल्फाबेटिकली चलते हैं। तो अमेजोन सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो स्टार्ट करते हैं। तो यार, इसमें कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अमेजोन के स्टॉक्स को खोलेंगे। तो अमेजोन स्टॉक्स, अब इसमें जो विंडो है वो एक दिन की दिखा रखे हैं, उसे 5 ईयर्स कर देंगे। 5 ईयर्स विंडो करने के बाद हम देखेंगे कि 2017 जुलाई में अगर किसी ने ज्वाइन किया था तो इसकी स्टॉक की वैल्यू थी $968। तो अब हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि उस टाइम डॉलर की वैल्यू कितनी थी। तो डॉलर वैल्यू, अब इसको हम देखेंगे 5 ईयर्स पहले, एंड ये भी हम चेक करेंगे जुलाई में 2017। तो ये था अराउंड 64 रुपीज के अराउंड। तो अब एक कैलकुलेटर भी खोल लेते हैं। तो एज वी कैन सी, हमारा जो रुपी था वो 64 था और हमें कितने मिलते थे स्टॉक्स, पहले स्टॉक्स कैलकुलेट करते हैं हमें कितने स्टॉक्स मिलते थे। तुम्हें 4 साल में कितने स्टॉक्स मिलेंगे, तुम्हें 4 साल में 10 लाख वर्थ ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे। और 10 लाख वर्थ ऑफ स्टॉक्स कितने होंगे, तो हम 10 लाख को पहले 64 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गए $15,625। अब $15,625 में कितने स्टॉक्स आएंगे हम, वो हम निकाल लेते हैं। तो एक स्टॉक की वैल्यू थी 968, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 968 से। तो यू वुड हैव गॉट 16 स्टॉक्स ऑफ अमेजोन अगर तुमने 2017 में ज्वाइन करी थी कंपनी। तो अब 16 स्टॉक्स ऑफ अमेजोन की करेंट वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो अमेजोन के स्टॉक की आज की वैल्यू है $3,294। तो 3,294 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 16 को, तो दैट कम्स आउट
52,704 डॉलर्स। अब इसको देकर लेते हैं इंडियन रुपीस में, आज इंडियन रुपीस की वैल्यू चल रही है 73, तो इनटू 73 कर देंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 38,47,000 समथिंग। तो अगर तुम्हें 10 लाख के स्टॉक जब मिले थे तो अभी उसकी वैल्यू अराउंड तुम्हारी 40 लाख के करीब हो चुकी है, तो दैट इज 4 times। तो भाई गजब ही है। अब सोचो अगर अभी तुम कंपनी ज्वाइन करते हो तो अराउंड इतना नहीं, तो क्योंकि वो तुम्हारा गोल्डन पीरियड था अमेजोन का, कम से कम 2-3 times तो तुम्हारी हो ही जाएगी। अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तुम्हारी ईयरली तुम्हें कितने मिले हैं, तुम्हें 9.5 लाख रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं अपने CTC में। तो अगर तुम्हारा CTC जो अमेजोन का बेस वगैरह मिला के जो बनता है वो बनता है 20 लाख रुपीज़, अगर हम स्टॉक्स को हटा दें तो वो 4 साल के स्टॉक्स को अगर हम 1 साल की इनकम में निकालेंगे तो अराउंड 29 लाख रुपीज़, 30 लाख रुपीज़ के अराउंड वैल्यू आ ही जाती है। तो यार करंटली अटलाशन के स्टॉक की वैल्यू इज $231। अब देखते हैं 4 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी। चार साल पहले अटलाशन की स्टॉक की वैल्यू वॉज $35 ओनली। तो अब देख लेते हैं, अटलाशन देता है 37 लाख के स्टॉक्स अभी, तो शायद 4 साल पहले भी उतने ही देता होगा, हम मतलब एक एवरेज सा निकाल रहे हैं। तो अब देख लेते हैं 37 लाख में कितने स्टॉक्स आते हैं, क्योंकि उस टाइम 64 रुपीज़ था डॉलर, तो 37 लाख डिवाइडेड बाई 64 कर लेते हैं। 37 लाख डिवाइडेड बाई 64 गिव्स आउट टू बी तुम्हारे पास 57,812 डॉलर्स थे। अब इसको हम 35 से डिवाइड कर देंगे तो तुम्हें मिले अराउंड 1,650 स्टॉक्स। अब इतने स्टॉक्स की करंट वैल्यू कितनी है डॉलर्स में चेक कर लेते हैं, तो ये कुछ 3,80,000 डॉलर हो गए। अब इसको करंट इंडियन रुपीज में देख लेते हैं कि कितने हुए। भाई साहब तुम्हारे इसकी वैल्यू अभी करंटली है 2,78,54,062 रुपीज़, मतलब 3 करोड़ के अराउंड तुम्हारे स्टॉक्स की वैल्यू हो गई है अगर तुम्हें 4 साल पहले अटलाशन ज्वाइन करा था विद स्टॉक्स ऑफ 37 लाख रुपीज़। तो अगर तुम इसे 4 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें 70 लाख रुपये मिले हैं पर ईयर, एंड उसकी बेस सैलरी इज 12, तो 82 लाख रुपीज़। भाई साहब गजब। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं गूगल पे की, गूगल में किसी ने अगर ज्वाइन करा हो 4 साल पहले तो उसको कितने पैसे मिले होंगे। तो जब गूगल के स्टॉक की वैल्यू थी $930, तो अब गूगल में 37 लाख रुपीज़ के स्टॉक्स मिलते हैं गूगल में भी, तो 37 को हम फिर से डिवाइड कर देते हैं तुम्हारे 64 से, तो हमारे पास आ गए 57,812। अब इसमें इसको हम डिवाइड कर देंगे 930 से, हमें मिले थे 62 स्टॉक्स के अराउंड उस टाइम। अब 62 स्टॉक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे करंट स्टॉक वैल्यू से, करंट स्टॉक वैल्यू इज अराउंड $1,900, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1900 से, तो ये अराउंड आ गया 1.18 लाख तुम्हारे डॉलर्स। अब इसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज 73, तो ये तुम्हारे कुछ आ गए 86 लाख रुपीज़, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गई है गूगल के स्टॉक्स की वैल्यू इन 4 years। तो अगर इसे हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये कुछ आता है 21 लाख रुपये, तो तुम्हें 9 लाख रुपये वाले स्टॉक्स की वैल्यू अब तुम्हारे 21 लाख रुपये है। तो भाई साहब मतलब पैसा ही पैसा हो गया। अब दो कंपनीज और बची हैं हमारी, एक तो हमारी बची है माइक्रोसॉफ्ट, तो भाई मतलब सबको ही पता है हमेशा से 20 लाख रुपए के स्टॉक्स दे रही होती है, एंड दूसरी हमारी कंपनी जो बची है दैट इज सेल्सफोर्स, एंड भाई सेल्सफोर्स इज आल्सो अ रियली गुड कंपनी। तो पहले हम देखेंगे हमारे माइक्रोसॉफ्ट का एंड लास्ट में देखेंगे सेल्सफोर्स का। तो माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक की वैल्यू वॉज $71 के अराउंड तुम्हारे मतलब 2-4 साल पहले, तो अब देख लेते हैं 22 लाख के जो स्टॉक्स मिलते हैं उसको अगर हम 71 से डिवाइड करेंगे तो कितने आते हैं इसमें स्टॉक्स। पहले तो हम 22 लाख रुपयों को डिवाइड करेंगे 64 से, डॉलर्स में ले आते हैं, डॉलर्स आ गए हमारे पास 34,375। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तुम्हारे 85 डॉलर से, तो तुम्हें मिलते थे अराउंड 404 या 405 ही लगा लेते हैं इसे, 405 स्टॉक्स मिलते थे। अब 405 स्टॉक्स की करंट वैल्यू कितनी है देखते हैं। 405 स्टॉक्स की करंट वैल्यू इज 229 चल रहा है ये,
1,03,050 स्टॉक्स की वैल्यू हो गई तुम्हारी इन डॉलर्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने 74 से 73 से, तो ये तुम्हारे आ गए हैं कुछ 75 लाख रुपीज़। तो भाई 75 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाई 4 इज़ अराउंड 18,80,000, इट्स ऑलमोस्ट 19 लाख्स। तो मतलब तुम्हें 19 लाख रुपए मिले होंगे अगर तुमने बेचा होगा, और अभी बेचने हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब तुम्हारे जितने भी ये टॉप टेक कंपनीज हैं ये अभी बूम पे ही हैं सब, तो अभी इनके स्टॉक्स बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं है अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अब लास्ट जो हमारी कंपनी बची है वो सेल्स फोर्स है। अब सेल्स फोर्स का भी देख लेते हैं। तो यार सेल्स फोर्स की जो वैल्यू थी जुलाई के अराउंड वो थी 87 डॉलर्स। अब ये 15 लाख रुपए के स्टॉक्स देते हैं, 15 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 64 को हम कर देंगे तो तुम्हारे आ गए कुछ, तुम्हारे अराउंड 23,500 रुपये के अराउंड आ गए हैं ये डिवाइड करने के बाद। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कितने स्टॉक आए होंगे उस टाइम पे। अब उस टाइम पे थी वैल्यू 88 डॉलर्स की, तो तुम्हारे आएंगे 266 स्टॉक्स के अराउंड। अब 266 स्टॉक्स की वैल्यू अगर हम निकालें दैट वुड बी 225.92, दिस इज अराउंड 60,000 डॉलर्स इंटू अपना वही 73 कर देते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी 43,92,000 के अराउंड। तो मतलब ये वही तुम्हारे हो गए 44 लाख रुपीज़। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे अपने 4 से फिर से, तो भाई तुम्हें 11 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं तुम्हारे बेस सैलरी से। अगर तुम्हें 15 लाख के स्टॉक मिले थे उनकी वैल्यू अभी 3 टाइम्स हो चुकी है, दैट इज़ अराउंड 45 लाख्स। तो भाई अब ये सब देख के तुम्हें एक चीज़ तो समझ आ ही गई होगी कि यार स्टॉक्स अगर तुम्हें कोई कंपनी दे रही है ना, तो उसमें ये नहीं है कि तुम सोचो यार बेस ज़्यादा दे देती स्टॉक्स क्यों दे रही है, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हें करनी है तो तुम स्टॉक्स में ही करोगे। तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम कहीं ना कहीं जो इन्वेस्ट करोगे ना, या तो तुम म्यूचुअल फंड्स वगैरह में करोगे या तुम स्टॉक्स में करोगे या कुछ, मतलब कहीं ना कहीं तुम इन्वेस्ट करोगे ही करोगे ताकि तुम्हें लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिले। तो अगर कंपनी ही तुम्हें इन्वेस्ट करके दे रही है वो भी करंट वैल्यू पे जिस पे तुम ज्वाइन कर रहे हो, तो भाई और इससे अच्छा क्या ही चाहिए। तो बस, तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन वगैरह जितने भी आइकन तुम्हें दिख रहे हैं सब बटन दबा देना, लाइक भी कर देना वीडियो को, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सब चीज़ें तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बस इतना ही था इस वाली वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।